हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम ऐसी दो औषधियों के बारे में बात करेंगे जिसके सारे गुण आप जानते हैं, लेकिन इन दोनों के मिश्रण से कितने फायदे हैं ये शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे शहद और इलायची के बारे में। यूं तो इलायची को कहा जाता है कि देखने में जितनी छोटी है इसके कारनामे उतने ही बड़े हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इलायची को आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है इलायची। अगर हम इलायची के गुण बताएं तो शायद महीनों निकल जाए इसके गुण बताने में। और इसी तरह शहद भी है। शहद जितना मीठा है उतने ही फायदेमंद है। हम सब जानते हैं कि शहद से हमारे बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इलायची के सेवन से भी आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, लेकिन आज मैं आप सबको बताऊंगी इन दोनों को मिलाकर खाने से आपको कितनी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही ये आपके लिए कितना फायदेमंद है। यूं तो शहद और इलायची हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लगभग हर घर में इन दोनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके घर में भी होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इन दोनों को मिलाकर खाने से आपको कितना फायदा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी इन दोनों का मिश्रण बनाना कैसे है और इसे कैसे यूज करना है और इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कौन कौन सी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए 10 ग्राम इलायची और 20 ग्राम शहद। हमें इलायची को कूटकर पाउडर बना लेना है और शहद के साथ मिलाकर एक डब्बे में रख लेना है। इसके बाद हमें इसे रोजाना एक चम्मच खाने के बाद लेना है। ऐसा करने से आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपके शरीर में गर्मी हो जाती है, अत्यधिक गर्म खाना खाने से या फास्ट फूड या फिर बाहरी खाना खाने से आपके शरीर में गर्मी हो जाती है, पेट में जलन होता है, तो रोजाना अगर आप इसे एक चम्मच खाने के बाद लेते हैं तो आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आपको कब्ज की परेशानी है तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे और साथ में ये इलायची और शहद का मिश्रण लेंगे तो आपको कब्ज की परेशानी से बहुत जल्द और हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। अगर आपके चेहरे में कील मुहासे आते हैं तो शहद और इलायची से आपको कील मुहासों से भी छुटकारा मिल जाएगा। यूं तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कील मुहासों का मुख्य कारण होता है कब्ज या शरीर की गर्मी, और शरीर की गर्मी और कब्ज को ख़त्म करने में इलायची और शहद बहुत ही कारगर है, तो इससे आपको कील मुहासे से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको मोटापा घटाना है और इसके लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका वेट नहीं घट रहा है, आप पतले नहीं हो रहे, आपको मोटापा से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप रोजाना एक चम्मच इलायची और शहद का मिश्रण सुबह खाने के बाद और शाम खाने के बाद लेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करते हैं। शहद और इलायची के मिश्रण से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, जिससे हम बहुत सारी कैलोरीज घटा सकते हैं। इससे हमारी कैलोरीज बहुत बर्न होती है बिना कुछ मेहनत किए, जिससे हम पतले भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बाल झड़ने की परेशानी है, आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या दो मुँह होते हैं, तो आप इस मिश्रण का सेवन रोजाना करेंगे तो आप झड़ते बालों से छुटकारा पाएंगे और आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपके नए बाल भी आ रहे हैं। साथ ही अगर आप इस मिश्रण का निरंतर उपयोग करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप खाना अच्छी तरीके से पचा सकते हैं तो आप जानते हैं कि आपके शरीर के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप कमज़ोर हैं, आप कुछ भी खाते हैं आपके शरीर को नहीं लगता है, तो इसके लिए भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर इस मिश्रण के उपयोग से आप पा सकते हैं अपनी सॉलिड बॉडी। हाँ,
कह सकते हैं कि तंदुरुस्त शरीर पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए उनको ये नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये तो थे इलायची और शहद के मिश्रण के बहुत सारे फायदे, लेकिन दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलती आई हूँ और आज भी आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर आप शराब या धूम्रपान लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। दोस्तों अगर आप तला खाना या बाहरी खाना खाना पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा कम करें या तो कोशिश करें पूरी तरह ना खाने का, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप मांसाहारी हैं तो कोशिश करें शाकाहारी बनने का, क्योंकि शाकाहारी से आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं और साथ में आप हमेशा निरोगी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो इसे खत्म करें, अगर आप इसे खत्म नहीं कर सकते तो कम करने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों रोजाना सुबह एक गिलास गर्म पानी पिएं, ऐसा करने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। रोजाना कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप ये परहेज करते हैं तो बिना किसी औषधि के भी आप लंबे समय तक निरोगी जी सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज आपको बताया कि इलायची और शहद के मिश्रण से आपको क्या क्या फायदे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आपने हमारे ये वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी परेशानी का हल ढूंढना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। थैंक यू।